नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पुंछ की, तो आज JKPM पुंछ के वरिष्ठ सदस्यों ने जिलाध्यक्ष रिधमप्रीत सिंह के उचित निर्देश के साथ LG प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कभी भी पुंछ को अपनी प्राथमिकताओं के साथ नहीं पहचाना और हमेशा पुंछ को सामान्यता ही लिया है, यह मानचित्र पर लगता है, उन्होंने जोड़ा है। टीम ने यह भी कहा कि यह LG प्रशासन हो या किसी भी प्रकार की सरकार, कभी भी पुंछ को छोटा और नीचा माना जाता है, जो जो दीवारों के बीच एक बड़ी बाधा है विकास और जिला पुंछ। आगे भी बिना देर किए ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी और आवाज लगातार उठाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आज तक हर सुविधा राजौरी के लोगों के हाथ में जा रही है, चाहे वह GMC ट्रामा अस्पताल हो। पुंछ जिले को हमेशा उत्पीड़न के तहत ही क्यों रखा जाता है? बातचीत में टीम ने इस तथ्य का खुलासा किया कि उनके अध्यक्ष इस जरूरतमंद अस्पताल की स्थापना के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इस नेक काम के लिए JKPM के बैनर तले पुंछ जिले के हर कोने से आवाज उठाई जाएगी। विरोध प्रदर्शन की निगरानी तहसील मंडी JKPM की अध्यक्षता तनवीर अहमद तांत्रे ने की और जिला सचिव शौकत हुसैन मीर अन्य सदस्य भी मौजूद रहे, जो शांतिपूर्ण विरोध का हिस्सा बने। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तनवीर अहमद तांत्रे, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का तहसील प्रेसिडेंट, और आज हमारा यहाँ पर पुरअमन प्रोटेस्ट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर जो ट्रामा हॉस्पिटल इस दौरान कोविड की पीक होने के बाद दिया गया, लेकिन इस दफ़ा भी जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ को जो है नज़रअंदाज किया गया है। और मेरी ये गुजारिश रहेगी वक्ती हुकूमत से भी, और जहाँ तक वसीम भाई आपने पूछा कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी को दिया गया, डिस्ट्रिक्ट पुंछ को क्यों नहीं दिया गया, मैं वाजह तौर पर यह कह देना चाहता हूँ कि आज तक जो यहाँ पर जो है BJP को शिकस्त ही मिली है, BJP का यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया है, वोट भी बहुत कम मिले हैं, इसलिए ये पुंछ को जो है नज़रअंदाज करते हैं। अब हमारी उम्मीद जो है, लास्ट की उम्मीद जो है, वो गवर्नर इंतज़ामिया पर बची हुई है कि गवर्नर इंतज़ामिया जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के साथ जो है सौतेली माँ जैसा सलूक नहीं करेंगे। आज हमने प्रोटेस्ट इसीलिए किया है कि ट्रामा हॉस्पिटल अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ को दिया जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ को राजौरी को दिया गया है तो इसमें हम खुश हैं, इसमें हमारे लोग भी हैं वहाँ पर, लेकिन साथ साथ में ये गुजारिश है कि ये ट्रामा हॉस्पिटल जो है कम से कम 200 बेड की कैपेसिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ को भी जो है मुहैया करवाया जाए ताकि हमारे लोग जो हैं वो सफ़र ना हो। जी, मेरा नाम शौकत हुसैन मीर है, मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। हमारा आज प्रोटेस्ट करने का एक ही वाहिद जो प्रायोरिटी वाला मकसद है वो ये है कि हमें ट्रामा हॉस्पिटल इस वक्त हमारी बेसिक नीड है और हमारी ज़रूरत है। अगर हमारी ज़रूरत ना होती, बिना ज़रूरत के हम प्रोटेस्ट करते या फिर बिना ज़रूरत के हम आवाज़ उठाते, या फिर हमें कोई ये कहे कि पॉलिटिकल क्या बोलते हैं सिनेरियो का क्रेडिट लेने के लिए या फिर आवाम को अपनी तरफ माइल करने के लिए हम प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, ऐसा नहीं है। पूरी आवाम, पूरी जनता जानती है कि ट्रामा हॉस्पिटल जो है इस वक्त पुंछ की बेसिक नीड बन चुकी है। ना तो हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, ना ही हमारे पास कंसंट्रेटर्स हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगने की बारी आई थी, वहाँ भी बिल्कुल खाली हॉल बनाकर छोड़ दिया, ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं लगाया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम किसको रोएंगे। और आपको एक बार और बात बताता चलूँ, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पुंछ की सरजमीन से आवाज़ उठाई। मैं फिर से कह दूँ, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने आवाज़ सरजमीन पुंछ से उठाई है। देखें, राजौरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी है, अब वहाँ पर ट्रॉमा हॉस्पिटल भी दे दिया गया है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राजौरी और पुंछ के बीच में जो डिफरेंस है ये 100 किलोमीटर का डिफरेंस है, और ये पहाड़ी डिफरेंस है। यहाँ पर, यहाँ से राजौरी गाड़ी पहुँचते बहुत बमुश्किल पहुँचती है। मुझे तो ये लगता है कि राजौरी वाले ईजिली कनेक्ट करते हैं कश्मीर के साथ भी, राजौरी वाले इजिली कनेक्ट करते हैं जम्मू के साथ भी, मगर हम लोग कहाँ फॉल करते हैं। हम तो यहाँ बॉर्डर के शेल खा खा के मरते हैं और फिर भी फैसिलिटीज़ जो है हमसे महदूद करके दूसरों को दी जाती है, हमारा हक दूसरों को दिया जाता है। जब कोई बड़ी डेजिग्नेशन या फिर डेलीगेशन पुंछ में आने की बात होती है, वो भी हम तक नहीं पहुँचते हैं, वो भी हमें नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर कर देते हैं बावक्त पे, तो हम कहाँ जाएंगे, हम किसको रहेंगे। ना तो हमारी सरकारों ने आज से पहले हमारे लिए कुछ किया, ना ही अब LG एडमिनिस्ट्रेशन हमें कंसीडर कर रही है। तो हमारा मुतालबा ये है कि हमें कंसीडर किया जाए, हमें हमारी बेसिक नीड्स के साथ हमें नवाजा जाए, जो हमारा हक है, हम भी इंटीग्रल पार्ट हैं इस मुल्क का, हम भी इस देश का हिस्सा हैं, तो हमारी आवाज़ को सुना जाए, हमारी नीड्स को पूरा किया जाए,
हमें इस वक्त ट्रॉमा हॉस्पिटल की अशद जरूरत है, हमारे लोग मर रहे हैं, कोरोना पीक पर है, अब बच्चों के ऊपर अटैक आ रहा है, उस वक्त हम किसको रोएंगे, उस वक्त हम किसके पास जाएंगे। इसलिए 200 बेड की कैपेसिटी का हॉस्पिटल देना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। R9 भारत के लिए सुनील आनंद, पुंछ, जम्मू कश्मीर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।